ब्राह्मण क्षत्रियों को गाली देने वाले गुड्डा पटेल के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश फूट पड़ा है। जगह जगह इसके पुतले फूके गए हैं। हालांकि बढ़ते आक्रोश को देखते हुए भाजपा ने इसे 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। ब्राह्मण क्षत्रियों का मानना है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। गुड्डा पटेल के खिलाफ सिमरिया में पुतला फूका गया और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही FIR दर्ज कराने के लिए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आइए दिखाते हैं किस तरह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूका है। हम पके पकाए आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी बात मानते जाएंगे। कोई समझौता नहीं करेंगे, इज्जत से कोई समझौता प्रशासन नहीं करेगा। और प्रशासन जब आपका सहयोग करता है तो फिर अपेक्षा करता है आप लोगों से भी कि आप सहयोग। वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं चलता, एक पक्षी नहीं चलता है। नहीं, एक पक्षी ना, दो पक्षी का कोई मतलब ही नहीं है। अपना का मना किया तो अपना कहना करेगा, चाहिए काम। सुनिए, मेरे नोटिस में बिल्कुल नहीं है। और अभी तक आप सीनियर थे, आप आप बैठ के गए यहाँ। ये बात तहसीलदार साहब, मैंने एक लाइन में स्वीकार की है। आप पास बैठ के गए कि मुझे ये बात नहीं मालूम कि इन लोगों को आपने क्या बताया क्या नहीं बताया है। इनको हमने कहा कि चलिए आप लोग इकट्ठे होइए, हम वो थोड़ा सा तेजी से आ रहे हैं और आकर के हम इसमें शरीक हो गए। और स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री इस क्षेत्र की हमारी बुनियाद हैं, प्रजातंत्र की, उनके श्री चरणों के पास हम ये वो देंगे, है ना। और वही इन लोगों ने किया, कोई अभी अभी हम लोग न कोई